अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो बारी बारी करके एक एक एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है आगे। तो खैर, हमसे कहते हैं व्हाट विल बी द अप्रॉक्स वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 atm इफ इट्स ग्राम मॉलिकुलर मास। ग्राम मॉलिकुलर मास मतलब 1 mole की बात हो रही है ऑफ अ गैस प्रेजेंट एट 0 degree centigrade। तो भाई 0 degree centigrade 1 atm ये हो गया हमारा STP। ठीक है, STP पर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 dm³। तो भाई वो ऑप्शन तो यहाँ पर है नहीं, तो इसीलिए हमसे कह रहे हैं अप्रॉक्स तकरीबन कितना है 25। ओके, तो दी प्रेशर एट विच 1 mole ऑफ अ गैस एट 0 degree centigrade ऑक्यूपाई अ वैल्यू ऑफ 1 liter क्लोजेस्ट टू 22.4 atm। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन अंडर सिमिलर कंडीशन इफ N2O, NO, NO2, N2O5 आर अलाउड टू डिफ्यूज The गैस विच डिफ्यूज मोस्ट क्विकली। तो भाई ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक वो मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका होगा यहाँ पर NO, तो NO इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ रॉटन एग लाइक स्मेल। सड़े हुए अंडों की तरह स्मेल किसकी होती है, H2S की। एक्चुअली जो H2S गैस है ना, ये अंडों में से भी रिलीज होती है। अंडे में मौजूद जो जर्दी होती है, जर्दी में मौजूद जो आयरन है, ठीक है, तो आयरन और जो सफेदी होती है उसमें मौजूद होता है हमारे पास H2S। ओके, तो H2S गैस रिलीज होती है एग में से, जब वो ऊपर से थोड़ा सा उसका छिलका टूट जाए खुली हवा में रहे तो उसमें से H2S क्या होती है, गैस रिलीज होती है जिसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया H2S। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मे बी रिगार्डेड एज द टेम्परेचर एट विच एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मुराद यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो की बात हो रही है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो पर गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, रुक जाती है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट हो जाती है जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज प्रेशर कुकर जब हम टाइट कर देते हैं तो उसके अंदर जब वेपर बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर के बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या लगा देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एलिवेटेड एन आइडियल। ओके, एन आइडियल गैस विद प्रेशर 2 atmosphere इज एक्सपेंडेड टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, व्हाट इज द प्रेशर। अच्छा, हमारे पास 2 atmosphere प्रेशर है और वॉल्यूम जो है वो ट्वाइस हो गया, मतलब अगर 1 dm³ था 2 dm³ हो गया, तो वॉल्यूम डबल हुआ है तो प्रेशर हाफ हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 2 ½ 1। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 1। एट हाई टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस इज वेरी स्मॉल। इनवर्स रिलेशन है दोनों के दरमियान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बारोमीटर। अच्छा, बारोमीटर से हम नापते हैं एक्चुअली एटमोस्फेरिक प्रेशर जिसके अंदर मौजूद होता है मरकरी, ठीक है, और वेपर प्रेशर नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैनोमीटर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय ½ mv². इफ द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल्ड द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अच्छा, एवोगाड्रोज़ लॉस के मुताबिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा एक्चुअली हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर भी। अगर वॉल्यूम हमारे पास मिसाल के तौर पर मेरे पास कंटेनर है जिसके अंदर 5 molecule हैं और उसी कंटेनर में मैंने मॉलिक्यूल बढ़ाकर कितना कर दिया, 10, तो अब जो भी प्रेशर था 5 molecule में अब उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एट हाई ऑल्टीट्यूड वाटर बॉयल एट हाई ऑल्टीट्यूड पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम होती है जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का हो जाएगा कम, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन 100 degree। ओके, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को जो सब्सटेंसेस, तो जो केमिकल डिक्रीज कर देते हैं सरफेस टेंशन, उन्हें हम क्या कहते हैं,
वेटिंग एजेंट और साथ ही साथ इन्हें हम सर्फेक्टेंट्स भी कहते हैं. ओके, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर, मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो आपस में क्लिंग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, दूसरे पर आ जाते हैं, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कोहेजन. स्टैलग्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर सरफेस टेंशन. ऑस्वर्ल्ड विस्कोमीटर से नापते हैं हम विस्कोसिटी, जबकि रिफ्रैक्टोमीटर से नापते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वेपर प्रेशर को हम नापते हैं मैनोमीटर से. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आइस फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज, बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास अ गैस एट जीरो केल्विन. वो गैस जो कि जीरो केल्विन पे रखी हो, हम सपोज करते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. एक्चुअल में नहीं होता, वो हमें पता है, लिक्विफाई हो जाती है गैस. 1 cm³ इज इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस 3 dm³. ओके, अ गैस एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन पर हम सपोज करते हैं कि गैस क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी. द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज मिलीपॉइज. ओके, नेक्स्ट हमारे पास एवोपोरेशन इज, एवोपोरेशन क्या है भाई? कूलिंग प्रोसेस. क्यों? क्योंकि लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जिनके एनर्जी हाई होती है अपने सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, लिक्विड का एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो कि कॉज करता है कूलिंग.